तो गाइस अभी एक लीक सामने निकल के आ रही है जिसमें कि बताया जा रहा है जो मोटोरोला कंपनी अपना एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली बहुत ही जल्दी, जो कि है मोटो G52J 5G। तो ये जो फोन है इसका मल्टी कोर स्कोर और सिंगल कोर का जो स्कोर है वो फाइनली गीकबेंच की साइट पे देखने को मिल चुका है, जिसका मतलब साफ साफ है कि मोटोरोला कंपनी की तरफ से हमें एक और स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च देखने को मिल सकता है, जिससे कि रिलेटेड काफी लीक्स रूमर सामने निकल के आ चुके हैं, जिसमें अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस की, इन सभी की जो डिटेल है वो सामने निकल के आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इस फोन के अंदर डिस्प्ले साइज की। तो फोन के अंदर 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा इस डिस्प्ले के अंदर। उसी के साथ अगर बात करें फोन के अंदर स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए, तो फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब साफ साफ है कि इस फोन के अंदर आपको 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और गाइस अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस जो काफी कम है, जिसके अंदर आपको एक बजट में एक अच्छा खासा कंपनी का 5G फोन देखने को मिल जाता है, जो कि इस बजट में और भी कंपनियां हैं बट मुझे नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी चीजें देती होंगी फोन के अंदर, जितना हमें एक ब्रांडेड कंपनी के अंदर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर बात करें फोन के अंदर इंटरनल स्टोरेज और रैम वगैरह की, तो अभी तो फाइनली कोई भी डिटेल सामने निकल के नहीं आई है, बट इसके अंदर हमें 6GB की रैम प्लस 128GB की स्टोरेज देखने को मिल सकती है, ऐसा जो बताया गया मैं अभी बता रहा हूं। हो सकता है कि इसके अंदर हमें इसके ऊपर के भी वेरिएंट देखने को मिल जाए या फिर इससे नीचे का भी वेरिएंट देखने को मिल सकता है, बट हां 6GB रैम प्लस 128GB जो स्टोरेज है वो फाइनल है। उसी के साथ अगर बात करें फोन के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए, तो फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि जो इसका प्राइमरी कैमरा होगा वो 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और जो माइक्रो या फिर डेप्थ सेंसर कैमरा होगा वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है फोन के अंदर। फोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, तो फोन के रियर और फ्रंट कैमरा से दोनों से आप वीडियोग्राफी शूट कर सकते हो आराम से। उसी के साथ अगर बात करें फोन पे गेमिंग वगैरह की, तो इस पर आप गेमिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है और जो GPU आपको यानी जो ग्राफिक कार्ड होता है वो भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, अगर यही सेम GPU जो है मींस कि अगर यही सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 695 वाला, तो इसके अंदर आप गेमिंग आराम से कर पाओगे। अब बात करें फोन के अंदर कनेक्टिविटी की, तो फोन के अंदर ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC, GPS, चार्जिंग के लिए USB टाइप सी, उसी के साथ साथ इस फोन के अंदर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आप एक गेमर्स हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा, अगर आप लोग इस फोन को बाय करते हो तो एक बजट में 5G फोन आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट में अगर बात करें फोन के अंदर बैटरी और चार्जर की, तो फोन के अंदर 5000mAh की बैटरी प्लस 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब देखो ये कोई फाइनली नहीं है, हो सकता है इससे थोड़ी बहुत कम भी बैटरी देखने को मिल सकती है, बट जहाँ तक है चांसेस कि इसके अंदर हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो ये सारी तो बात हो गई इसके स्पेसिफिकेशन की, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है अगर हम माने लीक्स की और जो लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि इसकी प्राइस जो हमें 21,000 रुपये के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है ये फ़ोन। तो गाइस अगर 21,000 के अंदर ये फ़ोन देखने को मिल जाता है मार्केट के अंदर, तो आपको इतने कम प्राइस में 5G फ़ोन देखने को मिलता है इतना अच्छा खासा, वो भी जो मोटोरोला कंपनी काफ़ी अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, इसके फ़ोन भी मैंने चलाए भाई तो मुझे पता है कि इसके फ़ोन अच्छे होते हैं। नॉर्मली जो आप चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन बाय करते हो उससे लाख गुना अच्छे होते हैं ये फ़ोन, और अगर इस प्राइस रेंज पे अवेलेबल हो जाता है मार्केट के अंदर तब तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। बाकी इससे रिलेटेड और कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो आपको मेरे इस चैनल पे सबसे पहले उसका अपडेट मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना, आशा करता हूँ मेरी तरफ से दी जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी और अमेजिंग टेक वीडियो के लिए। अगर आपका कोई सवाल, आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।